कविता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे सिर्फ दो कच्चे आलू से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मिक्सर जार लिया है, इसमें हम डालेंगे दो कच्चे आलू, इसे हमने छीलकर टुकड़ों में काट लिया है। आधा कप सूजी डालेंगे, 4 चम्मच दही डालेंगे और आधा कप पानी डाल देंगे। अब इसे हम पीस लेंगे। तो देखिए इसे हमने पीस लिया है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 चम्मच तेल लिया है, इसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच राई और थोड़ा सा करी पत्ता, इसे हम थोड़ा चटकने देंगे। अब इसे हम इसमें डाल देंगे, इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, इसे हम मिला लेंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे, इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे, तेल को अच्छी तरह से फैला देंगे। अब इसमें इस घोल को डाल देंगे, इसे हम थोड़ा टैप कर देंगे। अब इसे हम पका लेंगे। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए डाल दिया था, देखिए पानी में उबाल आ चुका है। तो अब इसमें हम एक स्टैंड डाल देंगे, आप चाहे तो इसकी जगह पर कोई कटोरी भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर इसे डाल देंगे। गैस हम यहाँ पर मीडियम कर देंगे और इसे ढककर 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे। तो अब 12 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं। इसमें हम चाकू डालकर चेक कर लेंगे, चाकू क्लीन नहीं निकला है, तो इसे हम 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। तो अब 2 मिनट हो चुके हैं, तो फिर से इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए चाकू इस बार क्लीन निकला है, इसका मतलब ये अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब इसे हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। तो अब ये ठंडा हो चुका है, तो इसे किनारों से इस तरह से अलग कर लेंगे। अब इसे हम इस तरह से काट लेंगे, आप इसे किसी भी आकार में काट सकते हैं। ये नाश्ता टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है, क्योंकि इसे बनाने में बहुत कम तेल का यूज होता है। अब इसे हम निकालकर एक प्लेट में रख लेंगे। अब हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल, इसे अच्छी तरह से फैला देंगे, तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, इसे थोड़ा चटकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ करी पत्ता, इसे मिला देंगे। अब गैस यहाँ पर धीमी कर देंगे और इसे इसमें डाल देंगे। अब गैस यहाँ पर मीडियम कर देंगे, थोड़ी देर बाद इसे हम पलट देंगे। और इसे हम 1 मिनट के लिए और पकने देंगे। तो अब 1 मिनट हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो अब सूजी और आलू का टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।